हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ खुरचन वाली रबड़ी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। खुरचन वाली रबड़ी वैसे तो आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन व्रत और त्यौहार के लिए इसे विशेष रूप से बना के रखा जा सकता है। इसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और साथ में हमने कुछ मेवे लिए हैं, ये बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू। इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए कढ़ाई में दूध ले लेते हैं, गैस को ऑन कर लेते हैं और गैस को मध्यम आंच पर रखेंगे। कढ़ाई में सारा दूध एक साथ डाल लेंगे। और रबड़ी बनाने के लिए हमें मलाई वाला दूध ही लेना है, फुल क्रीम दूध ही लेना है, उससे रबड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ये देखिए दूध उबलने लगा है और इसमें ये मोटी लेयर मलाई की ऊपर आ गई है। अब हम इसे बहुत आराम से किनारे की तरफ कर देंगे और आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि दूध उबल के गिरे नहीं, और इसे अच्छे से एक बार नीचे की तरफ चला देंगे। अब ये देखिए दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, और क्योंकि ये हम खुरचन वाली रबड़ी बना रहे हैं तो मलाई को इस तरह से धीरे धीरे करके हम ऐसे किनारे पर इकट्ठा करते जाएंगे और बाद में इसे ही निकाल कर इसी मलाई की एक मोटी सी परत बन जाएगी, जिसे हम निकालेंगे तो ये खुरचन जैसी बन जाएगी। इसे ऐसे ही चलाते हुए मध्यम आंच पर बराबर पकाते रहना है और बीच बीच में उसे छोड़ना है ताकि इस पर मलाई की लेयर जम सके, और ध्यान रखना है कि नीचे लगने ना पाए। अब ये देखिए दूध उबल उबल कर आधे से भी कम हो गया है और हमने अच्छी खासी मलाई की परत भी इकट्ठा कर ली है इस पे। इसी तरह से ये दूध उबलता जाएगा, और चूंकि हमें पूरी खुरचन रखनी है तो हम इसमें दूध को और उबालते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, और ऐसे ही मलाई की परत जो जमती जाएगी उसे इसी तरह से हम ऊपर करते जाएंगे। और ऐसा लगभग 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट हम इसे और अच्छी तरह से पकाते रहेंगे। और ध्यान से लगने भी ना पड़े, और ये भी ध्यान रखेंगे कि नीचे से लगने ना पाए, बीच बीच में नीचे इसे इस तरह से हल्का सा हिला भी देंगे। ये देखिए मलाई की परत जमती जा रही है और हम इसे ऊपर कर दे रहे हैं। जब ये गाढ़ी हो जाएगा एकदम, तब हम इसके अकॉर्डिंग ही, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम इसमें चीनी मिलाएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारा ये जो दूध हमने चढ़ाया था ये पक्का एकदम गाढ़ा हो गया है और मलाई की लेयर भी अच्छे से किनारे जमा हो गई है। तो बची हुई मलाई को भी अब हम ऊपर कर लेते हैं। और 1.5 किलो दूध से ये इतनी रबड़ी बन के तैयार होगी। अब इसमें हम लगभग 100 ग्राम या आप अपने बाउल से नापें तो आधा बाउल चीनी मिलाकर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इसे ठंडा होने देंगे। एक बार चीनी मिक्स हो जाएगी फिर हम गैस बंद कर देंगे और इसको एकदम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे हम इसी बर्तन में निकालेंगे और उसके ऊपर से ये मलाई की खुरचन निकाल के डालेंगे।
अब ये देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है और ये देखिए पूरी लेयर के जैसे ये मलाई जो किनारे हमने जमा की थी वो निकल आई है और इसे हमने ऐसे एक बाउल में निकाल लिया है और जो ये बचा हुआ दूध है ये भी हम किनारे की जितनी भी ये खुरचन है ये सारी इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर ऊपर से इसी प्लेट में निकाल लेंगे और साथ में फिर इसे हम ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे।